बात जरा हम करते हैं पहाड़ी इलाकों की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चार तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिससे मौसम कितना सुहाना हो गया है इसका आप अंदाजा लगा पाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी कई जगहों पर हो रही है, कई जगहों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है और सैलानी भी जो वहां पर पहुंचे हैं वो मौसम का मजा ले रहे हैं। क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है इसीलिए मैदानी इलाकों में भी मौसम ने करवट बदली है और ठंड के बीच अचानक जिस तरह से बारिश हुई है उसने ना सिर्फ प्रदूषण का स्तर घटाया है बल्कि मौसम को भी खुशनुमा कर दिया है। तो जो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके सामने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में मौसम कितना बेहतरीन हो गया है। शिमला, केदारनाथ, कुफरी की ये तस्वीरें आपके सामने, और चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, आप देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ बस आपको बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में, तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और पहाड़ों में जो पर्यटक पहुंचे हैं इस बर्फ का जमकर लुत्फ भी ले रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, पहाड़ों में बर्फबारी ने मौसम को बेहद खुशमिजाज कर दिया है। और ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ आपको बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, बर्फ की चादर में लिपटा हुआ शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जिसकी एक झलक आप देख रहे हैं यहाँ पर। बर्फीला हो गया है मौसम, बेहद सुहाना, और इसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। लेकिन ये जो शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ की एक चादर, सफेद चादर, जिससे कि शिमला की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। और जो सैलानी यहां पहुंचे हैं उनके लिए इससे बड़ी ट्रीट क्या हो सकती है। शिमला की तस्वीरें आपने देखी, अब हिमाचल के धर्मशाला आपको लेकर चलते हैं। यहां मौसम की दोहरी मार पड़ रही है, पहले बारिश हुई अब बर्फ। बारिश के बाद कई इलाकों में -2 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मशाला में तापमान -2 डिग्री, पहाड़ों पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है, पहाड़ों की जो चोटियां हैं और जो बीच में रास्ते हैं ये देखिए चोटियां किस तरह से बर्फ से ढकी हुई। धर्मशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ठंडी हवा चलती हुई उस बर्फ के बीच में, वातावरण बहुत साफ बहुत शुद्ध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीर है। हालांकि दोहरी बार मौसम किस तरह से है कि पहले बारिश हुई उसके बाद बर्फ हुई और अब जो पारा है वो लुढ़क कर -2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है धर्मशाला में। बढ़ते हैं आगे, कुल्लू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। टॉप एंगल से कैमरामैन ने इसे शूट किया है लेकिन सिर्फ सफेदी के अलावा आपको देखिए कुछ नहीं दिखाई देगा। टॉप एंगल से शूट किया गया है लेकिन रेलिंग हो, पेड़ पौधे हो, हर तरफ बस बर्फ की ही चादर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें और एक पर्यटक के तौर पर ये तस्वीरें जो हैं ये मन मोह लेने वाली हैं। पेड़ों पर बर्फ की चादर आप देख सकते हैं, टहनियां पूरी तरह से बर्फ में लिपटी हुई, घरों के आसपास जंगलों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और ताज़ा ताज़ा गिरी हुई ये बर्फ जिसने पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को ओढ़ लिया है एक तरह से। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको बर्फ की एक मोटी चादर नजर आएगी। बर्फबारी का आनंद भी उठाते हुए वो लोग जो छुट्टियां मनाने के लिए कुल्लू पहुंचे हैं। मनाली पर्यटकों की फेवरेट जगह है, देखिए वहां बर्फ से कैसी बन गई है तस्वीर। वे तस्वीरें जो है ये आप मनाली की देख रहे हैं और किस तरह से हर तरफ बर्फ गिर भी रही है, पर्यटक इसका मजा लेते हुए। वैसे भी मनाली टूरिस्ट हॉटस्पॉट है एक तरह से और सैलानी जमकर बर्फ का आनंद उठाते हुए। मौसम बेहद खुशनुमा खुशगवार, पहाड़ों पर बर्फ कई जगहों पर गिर रही है, कई जगह बर्फ की मोटी चादर, और इस ठंड का लुत्फ उठाते सैलानी। आप देख सकते हैं किस तरह से रास्ते भी साफ किए हुए हैं बर्फ को कोने में करके। तो मनाली की ये तस्वीरें दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सफेद ही सफेद नजर आएगा, यानी हर तरफ बर्फ से ढका हुआ मनाली। ये है ABP News, आपको रखे आगे।